अच्छा, कुछ सवाल हमने आपकी बेगमात से किए और उन्होंने जवाब भी दे दिए, अब देखते हैं कि आप लोगों को कुछ याद है कि ना याद। सर घर भी जाना है आज। है ना, जवाब सही होने चाहिए, जवाब सही होने चाहिए और हवालदार साथ है। हवालदार। अच्छा सच्ची बात ये, अक्सर ऐसा होता है हस्बैंड्स को तो याद ही नहीं रहता, और कुछ हस्बैंड तो इतने कंजूस होते तोहफे ही नहीं देते। आप दोनों कैसे हस्बैंड हैं, तोहफे देते हैं कि नहीं? कंजूस नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तसाहुली है, सुस्ती है, इस वजह से मिस हो जाता है, लेकिन दिल होता है कि तू फिर अगर सालगिरह वाले दिन नहीं है तो उसके बाद दे दिया हो जाता है, मतलब हाँ। ये नियत होती है तोहफा देने की। अच्छा, आपकी तरफ से दिया गया एक तोहफा जो आपकी मिसेस को बहुत पसंद आया हो, दोनों से मैं एक ही सवाल कर रही हूँ, दोनों को जवाब जी। आई थिंक मैंने आयशा को एक प्रिंसेस डायमंड रिंग दी थी, शायद वो इनको बहुत पसंद आई थी। सही जवाब, एक नंबर मिल गया नहीं साहब को भाई, क्योंकि वो एक ही दफा दी थी। ये गलत हो नहीं सकता था ये। नहीं तो मैंने जो लॉकेट दिया था शादी पे, तो वो इसे भी याद है, मुझे भी अच्छी था। जबरदस्त, यहाँ भी सही जवाब, सही जवाब हो गया, वन वन भाई, बराबर हो गए। नहीं इनके रिंग से इनको याद आ गया कि इन्होंने क्या दिया था मुझे। यार तुमने प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया था भाई, ये 10 साल वाले है ना, और ये है माशाल्लाह माशाल्लाह 5 into 7, बस खुद ही कैलकुलेट कर ले। सैटरडे संडे ऑफ है उसमें या काउंटेड है? यानी 5 × 7 ना, बस सही है। हाँ, ये दिनों रात को अलग अलग गिने की, जैसे जेल में अलग गिना जाता है। तो सर ये भी तो उम्र कैद है, ये भी तो उम्र कैद है, 10 × 7 कर। ओके अगला सवाल, आपकी पहली लड़ाई, पहली आर्गुमेंट, नहीं आखिरी करती हूँ, हाँ पहली तो बहुत पुरानी हो जाएगी, याद मुझे खुद नहीं याद। हाँ ओके, जो लेटेस्ट आपका झगड़ा या यहाँ आने से पहले या बहस, कोई भी जो लेटेस्ट आपको याद है वो कब हुई और किस बात पे हुई? सर मुझे याद है, 3-4 रोज पहले अच्छा एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था। अच्छा, उसमें एक एंकर भी थी बीच में जी, बच्चों जी, की जी, जी. जो कोऑर्डिनेट कर रही थी ना। अच्छा हुआ ये कि घर में जो नया ड्राइंग रूम बनाया हमने, तो हम सब जो है वो चप्पल या जूते उतार कर आए थे, वो बच्चे भी, तो मैंने उतार दी। अच्छा। अफशा पहन कर आ गई। अच्छा हाँ, तो आपने जल्दी में बुलाया? नहीं अभी रिसेंट बताया, अभी जो हुआ है 4 दिन पहले नहीं, आज की तारीख में क्या हुआ है हमारी आर्गुमेंट्स? कौन से आज की तारीख में? तो कोई खास बड़ा नहीं था, था ना, तुम हाँ, कह रही थी कि भाई आप ब्लैक नहीं व्हाइट पहने। हाँ, तो मैं ब्लैक पहना हुआ था। हाँ, लेकिन ये साथ ले चेंज करवाए। नहीं उन्होंने कहा था अच्छा मेरे व्हाइट जितने ना तुम ले आना, मैं उसमें से कोई चूज कर लूंगा, तो वो फिर इन्होंने किया, लेकिन ये मुश्किल से किया उन्होंने वैसे। अच्छा माने नहीं? हाँ, लेकिन फिर कर लिया, कर लिया क्या? हाँ। नहीं लेकिन वो ये चप्पल उतार के नहीं आई, जूते पहन के आ गई, तो उस पे बस कह रहे थे क्यों पहन कर आ गई, उन सबने शूज उतारे हुए। अच्छा जूते काटो उनको। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, ये भाभी ये रहेगी रहेगी, मेरे में से एक फिक्र निकल गया, नाराज हो गई सारी। ओए ओए, और गलत हुआ मैं तो, चले सबके सबके सामने कोई सबके सामने गरम बात कह दी, माजरत करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए, मैंने माफ कर दिया ना आपको, सही नहीं बोलना चाहिए। आई रियलाइज दैट। गुड गुड भाई, ये वाली बात जो है जितने आदमी है वो सुन ले, ये एडमिट कर लेते हैं जो भी जहाँ पे ये ये, ये जब कर लेते हैं, जब ये साहब इतने मशहूर हो के एज पॉलिटिशियन, जब भी कह सकते हैं सॉरी यार गलती से निकल गया इंसान, तो आप भी माफी कर लेते हैं भाई। हमारे मैटर्स में भी अभी रिसेंट आज ही क्या आयशा कहने की, एक तो आप खुद इतने व्हाइट हैं, ऊपर से आप व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो यू शुड वेयर ब्लैक। तो मैंने कहा भाई आप ब्लैक पहन लें, आयशा आपको भी चाहिए थे वो मैग वाले, आपको भी चाहिए थे वो मैग वाले, तो मिल गए मैग वाले। मैं ये कह रहा था कि मैं ब्लैक में हूँ तुम व्हाइट में, तो ये चलेगा नहीं? हम लेट हो रहे थे तो उस पे हो रहा था, मैं कही थी कि आप जल्दी नहीं निकलते हो, आपको जिम जरूरी करना होता है जाने से पहले। मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, दोनों को 0-0 मिला। वो प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी अगर जाना हो ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं जिम अपना मिस ना हो ना, तो ये कहते हैं जिम करके। तो वो कहती है कि आपको कपड़े भी अभी प्रेस करवाने, ठीक है, जूते भी अभी, गाड़ी भी अभी आपको वो करवानी है, मॉडल है, जिम तो जाना पड़ेगा क्या? तो आप ये काम आज जिम नहीं करते, ये काम कर ले, छोड़ देते, सुबह कर लेते, बाद में कर लेते, सुबह ज्यादा 2 घंटे कर लेते,
देर हो गई, खैर है, बात नहीं, ये है इनका एनर्जी है। अच्छा, ऑलवेज राइट, वाइफ इज ऑलवेज राइट। ओके जी, तीसरा सवाल, आपकी बेगमात को आप लोगों से क्या गिला रहता है ज्यादातर? मतलब एक गिला तो ये रहता है कि मैं गिले का ज्यादा मौका नहीं देता। ये तो कोई बात नहीं है, गलत गलत हो जाएगा जल्दी, ये तो वही होगा, एक ही चांस मिलेगा, एक ही चीज है। मोबाइल फोन पे अगर हाँ। ज्यादा देर इनके सामने अगर हम लगे हुए हैं हाँ। तो सर ये तो सबसे बड़ा गिला है। रॉन्ग रॉन्ग, बताए सही जवाब, यही था ना? नहीं, आपने कहा था अपनी बहन और अपनी हाँ, बच्चों से कम बात करते हैं हाँ, ये भी ये गिला रहता है। लेकिन ये तो अभी रीसेंट गिला है हाँ। जब रमजान में याद दिलाया कि आपने हाँ, बात नहीं की कर लें वो हाँ। तो रीसेंट गिला है, लेकिन तो रीसेंट जो रेगुलर गिला है वो ये है के के ये मैसेजेस पे जब होते हैं ना मेरे सामने, जब होते हैं हाँ। मेरे साथ होते हैं, क्या करें भाई, माने कि नहीं, अब ना करें। बेगम ने तो वो बहन और बच्चों वाली बात कही, रेगुलर वाला गिला यही है, रेगुलर गिला यही है, फोन पे लगा। चले मेरी तरफ से टिक, अच्छा सही जी। यहाँ क्या कहानी, क्या गिला रहता है बेगम को अक्सर आपसे? थिंक अबाउट इट, बहुत सारे रहते हैं अक्सर, एक नहीं है, दैट इज ट्रू, बट समथिंग यू से टू मी, मुझे आपसे गिला नहीं, अरे उन्हें क्या गिला, मुझे आपसे क्या गिला, कुछ आप कह रहे हैं बेगम को आपसे गिला क्या रहा है, एक चीज जो आप रिपीट करते रहते हैं। मेरा ख्याल है वो रेगुलर जिम ज्यादा जाता हूँ, ये आपको एक होता है कि हर रोज इनको जिम हिट करना है। मैं तो दुआएं करती हूँ मेरे मियां भी जिम जाए, वैसे वो बेचारा जाता है, उसका पेट काफी कम हो गया, लेकिन मैं भी ये तो ये दुआ करती हूँ आपको ही ये बड़ा भाई, सुबह शाम है, है? सबसे ज्यादा जाने से पहले जो ये उठते हैं ना एकदम से हाँ। अगर आप इसको बोलो कि मैं तैयार होने जा रही हूँ, अच्छा मैं 10 मिनट जिम करके आता हूँ, तो नहीं होता तो वो गए ना फिर घंटा हाँ। तो यहाँ एक बेगम परेशान है मियाँ के जिम जाने से, और यहाँ एक बेगम परेशान है जिम नहीं जाने से। आप तो कभी परेशानी हुई जिम विम जाने से? मैं ये परेशान हूँ, ये खाते बहुत कम है, अल्लाह डाइट बहुत थोड़ी सी इतनी सी, इससे भी ये भी मुझे थोड़ा सा है गिला इनसे, वैसे ये परेशानी मुझे नहीं है। फिर मैं जब पराठे खाती करती हूँ, इतने पराठे, मैं कहा आप भी खा ले, आपको मना किया किसी ने, लेकिन नहीं खाते हैं, और मैं शेरी में खाने का शौकीन नहीं है, हैं लेकिन कम खाते हैं, बहुत ना सा। अच्छा, जैसे तो ये तो अच्छा है, पराठे खाएंगे उसके ऊपर की कवरिंग ले लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, दैट्स इट, ऊपर का बहुत ही अच्छा है। सेहत नहीं खाता हूं हां, कम खाता हूं, ज्यादा बोलता हूं, ये तो सही है भाई, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये है कि ये क्या लाड वाड में निवाले बना बना के खिलाती है, कभी खा लेना, चख लें, चख लें, फिर उसके बाद अगर मजीद आगे खुद ही खाएंगे, कभी ऐसा भी, क्या क्या है इनकी फेवरेट, आपकी जो डिश है इनके हाथ की फेवरेट डिश? आलू की भुजिया बहुत अच्छी बनाती है, सहरी में या नाश्ते में, अच्छा ओहो मजे की लगती है, वो शौक से खाते हैं, उंगलियां चाटते रह जाएं। वाह भाई, थैंक यू, हां भाई।